friends, welcome back to our channel GuruKP.com. Myself Poonam Soni, assistant professor IT department. Again we are here to see the traversal techniques jo hum last lecture mein dekh chuke hain already with the examples ki hum kin ways mein ek tree ko traverse kar sakte hain. There are three ways for traversing any binary tree, that is pre-order, in-order and post-order. तो पहले हम डिस्कस करते हैं. हम वैसे देख चुके हैं थियोरेटिकली, अगर हम बात करें, हम देख चुके हैं विद द एग्जांपल कि किस तरीके से हम किसी गिवन ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं. लेकिन अगर हम उसको एक अल्गोरिदम के अकॉर्डिंग करना चाहें कि विच अल्गोरिदम वी आर फॉलोइंग, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी आर फॉलोइंग, तो इन स्टेप्स से यूजिंग द स्टैक, इम्प्लीमेंटिंग द स्टैक, हम किसी ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं. तो प्री ऑर्डर आप देख सकते हैं कि इसका एल्गोरिदम का नेम है प्री ऑर्डर. देन इसमें हमने चार पैरामीटर्स पास किए हैं, इन्फो, लेफ्ट, राइट एंड रूट. हमें ये बताना है कि दिस इज़ द ट्री एंड दिस नोड इज एक्टिंग एज द रूट ऑफ द ट्री. तो हम फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, इनिशियली पुश नल ऑन टू स्टैक एंड इनिशियलाइज पॉइंटर. सबसे पहले हमें स्टैक को नल डालना है स्टैक पर और इनिशियलाइज करना है पॉइंटर को. तो पहला स्टेप क्या है, टॉप वन कर देना है, स्टैक ऑफ वन, दैट इज स्टैक ऑफ टॉप इज नल कर देना है और पॉइंटर हमें रूट पे सेट कर देना है. तो अगर हम इसका एग्जांपल ले लें, वही सेम ट्री हम ले लेते हैं, दैट दिस इज ए बी सी एफ, दिस इज डी एंड दिस इज ई. तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें और स्टैक हम मान लें हमारा, सपोज दिस इज आवर स्टैक, ये हम इरेज कर देते हैं थोड़ा यहाँ से, ये हो गया है हमारा, ठीक है. तो हमने बोला से सपोज दिस इज आवर स्टैक, तो इनिशियली हमें क्या बोला गया है कि टॉप का वैल्यू वन कर दीजिए, दैट इज टॉप का वैल्यू हमने वन कर दिया और स्टैक ऑफ वन पे, दैट इज इनिशियली फर्स्ट लोकेशन पे हमें क्या डालना है, नल डाल देना है. तो नल सपोज हम फाइव से डिनोट करके हमने नल डाल दिया और पॉइंटर कहाँ सेट कर देना है हमें, रूट पे. तो रूट ये रहा हमारा, तो पीटीआर हमने सेट कर दिया रूट पे, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें हमने क्या किया है, टॉप का सॉरी स्टैक का वैल्यू, स्टैक के टॉप पे हमने नल पुश कर दिया है, टॉप का वैल्यू हमने वन कर दिया है और पॉइंटर हमने इनिशलाइज कर दिया है रूट पे. दिस इज़ आवर स्टैक एंड इट्स फर्स्ट वैल्यू इज फाइव, ठीक है. ये हमारा स्टेप वन हो गया है. फिर सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, रिपीट स्टेप थ्री टू फाइव वाइल पॉइंटर इज नॉट नल. अब हमें तब तक इसको एग्जीक्यूट करते रहना है स्टेप्स को, थ्री टू फाइव को, जब तक हमें पॉइंटर नल नहीं मिल जाता. तो क्या हम यहीं से चेक करना स्टार्ट कर देते हैं वेदर द वैल्यू ऑफ आर पॉइंटर इज नल, नहीं नहीं है. तो हम नेक्स्ट चलते हैं, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पी टी आर. जहाँ पे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसकी इन्फो पे हमें प्रोसेस लगाना है. तो सपोज वी आर अगेन आई एम सेइंग यू कि प्रोसेस का मतलब है कि अगर हम मान लें कि हमें प्रिंट करना है उन वैल्यूज़ को, तो हम प्रिंट करते जाते हैं. तो इन्फो ऑफ पी टी आर, पी टी आर कहाँ पॉइंट कर रहा है, ए पे. उसका इन्फो क्या है, ए, उसको हमने प्रोसेस कर दिया, दैट इज़ उसको हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है. तो ये स्टेप हो गया हमारा. अब हमें चेक करना है वेदर एनी राइट चाइल्ड एग्जिस्ट. तो हमने देखा राइट पी टी आर, पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है उसका राइट पॉइंटर इज नॉट नल, ये नल नहीं होना चाहिए. तो पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका राइट, राइट ऑफ पॉइंटर ऑब्वियसली इट इज़ नॉट नल, इट इज़ पॉइंटिंग समवेयर, इट इज़ पॉइंटिंग समवेयर. तो हम नीचे आ जाते हैं, हमने क्या कहा, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन एंड स्टैक ऑफ टॉप इज राइट ऑफ पी टी आर. दैट इज़ अगर हम ऐसी नोड को, अभी हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है जिसका राइट चाइल्ड नल नहीं है, तो हमें उस राइट चाइल्ड को स्टैक पे पुश कर देना है. तो टॉप का वैल्यू हमारा अपडेट होके टू हो जाएगा. टू हो गया तो सेकेंड लोकेशन पे हमें स्टैक में क्या पुश कर देना है, द राइट चाइल्ड ऑफ द पी टी आर, दैट इज़ वॉट सी. सी हमने राइट चाइल्ड, देखिएगा प्रोसेस कर दिया हमने इन्फो को और राइट को हमने पुश कर दिया है स्टैक पे. तो प्रोसेस कर दिया हमने इन्फो को और राइट को हमने पुश कर दिया है स्टैक पे. ये हमारा इफ़ का एंड हो चुका है. अब ये कह रहा है कि लेफ्ट चाइल्ड है क्या, इफ़ लेफ्ट ऑफ पी टी आर इज़ नॉट नल. तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट ऑफ पी टी आर इज़ ऑब्वियसली नॉट नल, इट इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग समवेयर, ये भी बी पे पॉइंट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है. तो सेट पी टी आर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पी टी आर. अब हमें पी टी आर को अपडेट करना है. पी टी आर को कहाँ अपडेट कर देना है, लेफ्ट ऑफ पी टी आर, जहाँ पे पॉइंटर अपडेट कर रहा है उसके लेफ्ट पे.
तो अगर हम बोलें कि पॉइंटर को हमने अपडेट कर दिया उसके लेफ्ट पे, तो ये हमारा पीटीआर का नया अपडेटेड वैल्यू आ गया, ठीक है, लेफ्ट ऑफ पीटीआर। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें पॉप करना है, बट ऐसा था तो हमने अपडेट कर दिया। अभी हम एल्स में नहीं जा रहे, एंड ऑफ इफ एंड एंड ऑफ लूप, अगेन वी विल रिपीट इट। हम यहाँ आ जाते हैं स्टेप टू पे, जो क्या कह रहा है, वापस से 3 to 5 को रिपीट करना है, कब तक, जब तक पॉइंटर नल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो वापस आप बोलेंगे कि पॉइंटर ऑब्वियसली इट्स नॉट नल, इट इज़ पॉइंटिंग बी, बी को पॉइंट कर रहा है, तो वापस हमें क्या करना है, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर, जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसके इन्फो पे प्रोसेस अप्लाई कर दो। तो प्रोसेस क्या है, प्रिंट करना है, प्रिंट कर दीजिए, ठीक है, प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद वापस हमें चेक करना है उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है क्या, येस ऑब्वियसली इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको स्टैक पर डाल दीजिए, तो हमने राइट चाइल्ड को स्टैक पर डाल दिया, टॉप का वैल्यू हो गया हमारा 3 अपडेटेड वैल्यू, ठीक है, राइट चाइल्ड हमने देख लिया। अब ये क्या कह रहा है कि उसका कोई लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है क्या, अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉइंटर को अपडेट कर दीजिए, तो येस लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वी विल अपडेट द पॉइंटर, हमने पॉइंटर को अपडेट कर दिया, पॉइंटर को अपडेट कर दिया, एंड ऑफ इफ एंड ऑफ लूप, वापस से रिपीट करेंगे हम, वापस से रिपीट करेंगे तो हम देखेंगे कि पॉइंटर नल पे पॉइंट कर रहा है क्या, ऑब्वियसली इट्स नॉट नल, इट इज़ पॉइंटिंग ऑन डी, डी पे पॉइंट कर रहा है, तो हमें उसको प्रोसेस करना है जिस पे भी पॉइंट कर रहा है। तो प्रोसेस किया मतलब हमने उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट करके आपने बोला कि अब उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो हमने देखा इसका राइट पॉइंटर अभी क्या है, नल है, तो स्टैक पे हमने कुछ भी नहीं डाला है अभी, ठीक है, स्टैक पे अपना कुछ भी नहीं गया। अब ये बोल रहा है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है क्या, हमने देखा कि इसका लेफ्ट चाइल्ड भी कुछ नहीं है, नल, तो लेफ्ट चाइल्ड जब नल है, हमारे अभी इस केस में फर्स्ट टाइम ये केस आया जब लेफ्ट चाइल्ड नल है, तो लेफ्ट चाइल्ड अगर नल है तो हमने क्या कहा है, नॉट नल, एल्स पॉप फ्रॉम स्टैक एंड सेट पॉइंटर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, पॉप करना है अब हमें स्टैक से, तो स्टैक से हमें पॉप करना है, तो स्टैक के टॉप पे भी क्या है, सॉरी, ई हमें पॉप करना है और ई पे हमें पॉइंटर सेट कर देना है, तो पॉप करना है मतलब हम हटा देते हैं इसको, वैल्यू रिड्यूस हो गई है, टॉप की वैल्यू 2 हो गई है, और इस पे हमें पॉइंटर को सेट कर देना है, तो पॉइंटर यहां से हटके कहां आ गया है, ई पे, ठीक है, पॉइंटर हमने फिर से सेट कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस 1, जो हम कर चुके हैं, पहले 3 था, अब हमने 2 कर दिया उसको वैल्यू को। अब एंड ऑफ लूप एंड एंड ऑफ इफ, फिर हमने रिपीट किया, पॉइंटर नल है क्या, नहीं अभी भी नल नहीं है, अभी भी वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, ई पर पॉइंट कर रहा है, तो जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ पे प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए, तो प्रोसेस जब हमने अप्लाई किया तो ये ई को हमने प्रोसेस कर दिया, ई को जब हमने प्रोसेस कर दिया पॉइंटर को, उसके बाद में वो बोल रहा है उसका राइट चाइल्ड है क्या, तो हमने देखा इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो स्टैक को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने देखा कि इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है क्या, तो आपने देखा कि इसका लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रॉप फ्रॉम द स्टैक और वहाँ पे पॉइंटर सेट करना है। तो फिर हमने बोला कि पॉइंटर, सॉरी, पॉप क्या किया हमने, सी, सी पॉप किया, तो सी पे हमने पॉइंटर सेट कर दिया, पॉइंटर हमने यहाँ पे सेट कर दिया, अगेन हमने टॉप का वैल्यू 1 कम कर दिया, तो टॉप का वैल्यू हमारा 2 से 1 हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वापस से हम लूप में जाते हैं, फिर हमने चेक किया कि पॉइंटर नल है क्या, नहीं है, पॉइंटर नल नहीं है, तो वापस से अंदर आ जाएंगे, अप्लाई प्रोसेस ऑफ इन्फो ऑफ पीटीआर, तो इन्फो ऑफ पीटीआर क्या है, सी, प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, प्रिंट कर दिया हमने, राइट चाइल्ड है क्या, हाँ है, हाँ है, तो स्टैक पर डाल दीजिए, एफ स्टैक को, इसको टॉप को अपडेट कर दीजिए 2, हमने राइट चाइल्ड डाल दिया है। अब ये पूछ रहा है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है क्या, कोई बोला लेफ्ट चाइल्ड देखा हमने, तो लेफ्ट पॉइंटर क्या है, नल नहीं है, उस केस में क्या करना है, हमें पॉप करना है स्टैक को, फिर हमने इसको स्टैक को पॉप किया, तो हमें क्या मिला, एफ, हमने एफ पे पॉइंटर सेट कर दिया, पॉइंटर हम कहाँ ले आएंगे, एफ पे, ये यहाँ से हट गया है पॉइंटर वापस से, ठीक है, फिर पॉइंटर आ गया, फिर इसने बोला कि नल है क्या, नहीं है, नहीं है, तो जहाँ पे भी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको नल कर दीजिए, तो पॉइंटर पॉइंट कर, सॉरी, नल नहीं कर दीजिए, उसको प्रोसेस कर दीजिए, तो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एफ़ पे, तो एफ़ को हमने प्रोसेस कर दिया,
प्रोसेस करने के बाद क्या करना है, राइट चाइल्ड चेक करना है. राइट उसका नल है, कोई बात नहीं. लेफ्ट चेक कीजिए, लेफ्ट उसका नल है. लेफ्ट नल है तो हमें स्टैक को पॉप करना है. स्टैक को जब हमने पॉप किया तो हमें क्या मिला, फाइव नल. तो पॉइंटर कहाँ पॉइंट करने लगा, समवेयर एट द नल. ठीक है, और ये हमारा वैल्यू डिग्रेड हो चुका है, पहले ही जीरो पहुंच चुका है. एफ भी हम पॉप कर चुके हैं, फाइव भी हम पॉप कर चुके हैं. पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, नल, फाइव पे नल. तो नल पे पॉइंट कर रहा है, तो नल पे अगर पॉइंटर है, पॉइंटर इज नॉट नल के केस में हमें ये रिपीट करना था. अगर पॉइंटर नल है तो हम सीधा बाहर आ जाएंगे एग्जिट पे. एग्जिट हो गए, एग्जिट हो गए तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने पूरा ट्री ट्रेवर्स कर लिया क्या. तो हम देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः नोड्स इसमें हैं. एक दो तीन चार पाँच छः नोड्स हमारी ट्रेवर्स हो चुकी हैं. उसी ऑर्डर में हुई है क्या जिसमें हम करना चाह रहे थे, तो हम करना चाह रहे थे इसको प्री ऑर्डर में. तो प्री ऑर्डर क्या कहता है, रूट लेफ्ट राइट. तो अगर हम कोई भी नोड पिक करते हैं, ये रूट, तो इसके बाद इसका लेफ्ट आएगा, इसके बाद इसका राइट आएगा. ठीक है, अगर हमने पिक किया सपोज बी को, तो ये रूट, इसके बाद इसका लेफ्ट, इसके बाद इसका राइट. हमने पिक किया सी को, तो सी के बाद इसका लेफ्ट जो कि नल है, उसके बाद उसका राइट. सो दिस इज हाउ यूजिंग द एल्गोरिदम. ये मैं आपके रेफरेंस के लिए बता देती हूँ कि ये एल्गोरिदम हमारा शॉम सीरीज के अंदर दिया गया है. ट्रीज नाम का चैप्टर है जिसमें ट्रेवर्सल समझाए गए हैं, उसमें प्री ऑर्डर के अंडर सेम एल्गोरिदम आपको दिया गया है. आप एल्गोरिदम का रेफरेंस वहाँ से ले सकते हैं. समझने के लिए आप हमारा वीडियो यूज कर सकते हैं जिसमें हमने यूजिंग द ट्री वी हैव गिवन द स्टैक्स. स्टैक क्या कर रहा है इसमें, अभी हमारा राइट नोड जो भी है उसको वो स्टोर करके रख रहा है आगे की प्रोसेसिंग के लिए. तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. Thank you.